किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है और जिसके कारण विजय कुमार की हत्या हुई, मौत नहीं। नीतीश बाबू, आप तो पोस्टमार्टम को झुठला सकते हो, लेकिन बिहार की जनता जो पोस्टमार्टम करेगी वो कभी आप नहीं झुठला पाओगे। एक एक पाई का हिसाब लेगी बिहार की जनता विजय के मौत की। राजधानी पटना में बिहार पुलिस के लाठीचार्ज में जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस घटना को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान हुई बीजेपी नेता की मौत को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि विजय सिंह का निर्मम निर्लज हत्या का हिसाब बिहार की जनता लेगी। नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या की है। मैं आज दिन भर अस्पताल में रह करके टीवी पर देख रहा था किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है और जिसके कारण विजय कुमार की हत्या हुई, मौत नहीं। मुझे तो लगता है कि आजादी के बाद पहली बार 74 के आंदोलन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, और मुझे तो इधर के दिनों में याद नहीं है कि कोई राजभवन कूच करे सरकार के खिलाफ या विधानसभा कूच करे। इस ढंग से बर्बरतापूर्ण, केवल बर्बरता ही नहीं, सोची समझी रणनीति के तहत और जिस निर्लज्जता के साथ इसे झुठलाने की कोशिश की जा रही है, ये आने वाले दिन में नीतीश बाबू, आप तो पोस्टमार्टम को झुठला सकते हो, लेकिन बिहार की जनता जो पोस्टमार्टम करेगी वो कभी आप नहीं झुठला पाओगे। एक एक पाई का हिसाब लेगी बिहार की जनता विजय के मौत की। वहीं गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार की तुलना बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी ममता दीदी की राह पर चल पड़े हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर हमले से हुई मौत के लिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। अहंकारी नीतीश कुमार द्वारा जहानाबाद भाजपा जिला महामंत्री विजय सिंह की हत्या कर दी गई। गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गांधी मैदान से विधानसभा मार्च निकाला था। शिक्षक बहाली नीति में हुए बदलाव को लेकर शिक्षकों का समर्थन और सरकार का विरोध कर रही बीजेपी ने इस मुद्दे पर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी नेता गांधी मैदान से विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे कि रास्ते में पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद भी जब बीजेपी नेताओं के कदम नहीं रुके तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बीजेपी नेताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा।